एसीई प्राइवेट लिमिटेड, बैक क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है? क्वेश्चन मैंने शेयर किया है ना आप लोगों के इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34, एसीई प्राइवेट लिमिटेड ने 10, देखो एक टेक्निक बताती हूँ, जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको रीड करने के बजाय एक शॉर्ट समरी बना लेना। देखो जैसे मैं शॉर्ट समरी बना रही हूँ ना वैसे ही बनाना, नेक्स्ट टाइम डबल क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या लाइन आप लोगों से मिस नहीं होगी एग्जाम में। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? देखो यस मैम। जैसे रीड करते गए तुरंत जैसे समरी नोट करते गए, कहीं पे भी कुछ मिस नहीं होगा आप लोगों से, याद रखना। और एग्जाम में क्वेश्चन गलत मतलब आप लोगों का तभी होगा जब आप कुछ जनरल एंट्रीज वगैरह गलती करें, बस अदरवाइज कोई लाइन नहीं छूटेगी कुछ नहीं। देखो जैसे इसमें मैंने रीड किया, एसीई प्राइवेट लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1 लाख अंशों के निर्गमन के लिए विवरण पत्र जारी किए, तो प्रॉस्पेक्टस कितना इनवाइट कर रही है? देखो ऐसे लिखते जाना शॉर्टकट, पढ़ते गए तुरंत तुरंत लिखते गए, 1 लाख शेयर्स हैं कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले, बस ऐसे शॉर्टकट में लिखते गए। नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी ना क्वेश्चन देखना डबल रीड नहीं करना पड़ेगा इतनी लेंदी लेंदी। दिस शेयर्स वेर इश्यूड एट पार, पार पे जा रहा है, ठीक है? एप्लीकेशन पे कितना दे रहा है? 3। फिर अलॉटमेंट पे कितना दे रहा है? 4। फर्स्ट कॉल पे 2, ठीक? और बाकी बैलेंस किस पे बोल रहा है? फाइनल कॉल पे। तो देखो टोटल शेयर कितने का है? 10। 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो फाइनल कॉल कितने की हुई? 1 रुपए की हुई, एक ठीक रुपए है? ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इसको आप लोग ऐसे ही बनाया करो ये वाला हमेशा। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या किया है, एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव्ड हो रहा है? 1,20,000 के लिए आवेदन प्राप्त है ना, एप्लीकेशन रिसीव। हमको अलॉट करने कितने हैं? 1 लाख। देखो ये स्टार्टिंग में ही बताया ना 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1,20,000 रिसीव्ड हो रही है और अलॉट कितना करना है हमको? 1 लाख। ये तो हो गया टोटल। अब नीचे देखो 20,000 वालों को कितना दे रहा है? पूरा दे रहा है, फुल दिया है क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा 20,000 दिया। देखो लिखा है ना 20,000 अंश के प्रार्थियों के लिए पूर्ण आवंटन किया गया। फिर जो 40,000 मांग रहा है उसको कितना दे रहे हैं अपन? 30,000। फिर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000, जो 60,000 ले रहा है उनको हम कितना दे रहे हैं? 50,000। तो टोटल करो देखो 60 और 40 1 लाख, 1,20,000 1,20,000, और यहाँ देखो 50, 30, 80 और 20 1 लाख। तो देखो एप्लीकेशंस आई कितने के लिए हैं? 1,20,000 शेयर्स, और हम अलॉट कितने कर रहे हैं? 1 लाख शेयर्स, है ना? आवंटित अंश अलॉटेड शेयर्स 1,20,000। नेक्स्ट देखो क्या लिया है, ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। आवेदन पर प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि आवंटन पर देय राशि के लिए समायोजित की गई, तो जो एक्सेस अमाउंट था उसको कहाँ एडजस्ट कर रहा है? अलॉटमेंट पे। आगे देखो यानी देखो शेयर्स वापस नहीं हो रहे हैं एक भी, वैसे वाले कंडीशन में हम क्या करते थे? रिफंड करते थे। इस वाले क्वेश्चन में देखो कोई भी रिफंड नहीं आ रहा है, नो रिफंड। प्लस देखो 4,000 अंशों के प्रार्थियों जो कि 40,000 अंश के समूह से संबंधित है, कौन से वाले समूह से संबंधित है? 40,000 वाले, ये वाला देखो, ये आया समझ में? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शेयर जिसने अप्लाइड फॉर कितने शेयर्स के लिए? 4,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, वो कौन से वाले ग्रुप का था? ये वाले 40,000। ये ग्रुप क्यों बताए हैं बताओ क्वेश्चन में, ये आप लोगों को ऐसे ग्रुप क्यों बताए हैं कि वो 40,000 वाले ग्रुप का था बताओ?
बताएगा कोई मेरे को रीजन क्या है? नहीं पता है किसी को? देखो नहीं पता है तो तुरंत बोल दो, ऐसे चुपचाप रह के टाइम नहीं वेस्ट करना है किसी को। बताओ नहीं पता है क्या रीजन? नहीं पता मैम। कल मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि किसी ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसको कितने शेयर्स दिए गए थे? 1920 किया था कि नहीं? ये कि 48 यस मैम। है ना, जिसने 48,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितना मिला था? 40,000। तो सामने वाले को 1600 मिला है, यानी उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? तो देखो हमको ये वाला फिर से जब कैलकुलेट करेंगे इस 4,000 शेयर्स वाले के लिए जिसने अमाउंट पे नहीं किया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो ये वाली वैरायटी का था कि ये वाली कि ये वाली? याद आ अब समझ में आया क्यों दिया है अपने को? ये सिर्फ इसलिए दिया है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखो, प्रथम संचालक मंडल ने उन सभी जिनसे याचना की राशि प्राप्त नहीं की उनके अनुसरण कर लिए गए हैं। और अच्छा एक चीज लाइन और देखो, अंशों पर पूर्ण राशि मांगी गई थी, मतलब ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या किया था? कॉल किया था। मैंने कल भी बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा का पूरा अमाउंट मंगवाया है कि नहीं। देखो पूरा का पूरा अमाउंट मंगवाने के बाद ही इनको क्या किया है? फोरफीट किया है, मतलब जब्त किया है, क्वेश्चन में लिखा है उसमें। और इसने किस पे अमाउंट पे नहीं किया? इसने ना ही अलॉटमेंट पे किया, ना ही फर्स्ट कॉल और ना ही सेकंड कॉल, तीनों अमाउंट इसने पे नहीं किया है 4000 अंश वाले ने। प्लस कंपनी ने शेयर्स को क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। कितने अंश? 2000। कितने रुपए से? 8 रुपए प्रति अंश से। तो 4000 जब्त करने के बाद वो 2000 अंश क्या कर रही है? रीइश्यू, पुनर्निर्गमन कर रही है। क्वेश्चन आया समझ में? यस मैम। क्वेश्चन में डाउट किसी को? चलो वर्किंग नोट से स्टार्ट करो। वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लिखो, फर्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी। या फिर आप लोग इसको टेबल भी बोल सकते हो, जो मैं यहाँ पे टेबल बनवा रही हूँ उसको। यहाँ पे क्या लिखते हैं हमेशा? एप्लीकेशन रिसीव्ड, अंशों पर आवेदन प्राप्त। फॉर शेयर्स, ठीक है? फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कि पैसा कितना रिसीव्ड हुआ। फिर शेयर्स कितना अलॉट किया। फिर शेयर्स मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो आवेदन की राशि अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर है ना, शेयर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे एडजस्टमेंट कि क्या करेंगे एक्सेस मनी का। देखो 20,000 शेयर्स रिसीव हुए, इनका एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड हुआ होगा? देखो 3 रुपए के हिसाब से 20,000 इंटू 3 कितना हुआ? 60,000। अब देखो इनको शेयर्स कितने अलाउट हुए? पूरे के पूरे 20,000। तो इनका ट्रांसफर भी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 60,000। ये शेयर्स है ना, 20,000 शेयर्स, ये भी 20,000 शेयर्स, ये मनी है ना, ₹60,000। नेक्स्ट देखो 40,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए भेजे? 1,20,000। इनको शेयर्स कितने दिए गए? 30,000।
तो इनका कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 3 रुपए के हिसाब से, ये देखो यहाँ लिखना 40,000 × 3, और यहाँ पे इनको दिया 30,000 शेयर्स × 3 के हिसाब से, तो इनका अंश पूंजी खाते में कितना जा रहा है, मतलब एप्लीकेशन मनी कितना ले रहे हैं अपन इनका? 90,000। बाकी कितना बचा? 1,20,000 में से 90 इधर दे दिया, तो कितना बचा? 30,000। ये कहाँ जाएगा? एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। नेक्स्ट देखो कितने शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स, तो 60,000 शेयर्स के लिए × 3 कितना आएगा? 1,80,000 आएगा। इनको शेयर्स दे कितने रहे हैं अपन? 50,000, तो 50,000 × 3 कितना आएगा? 1,50,000। तो 1,80,000 में से 1,50,000 चले गया एप्लीकेशन में, तो कितना बचा? 30,000। फिर से ये कहाँ एडजस्ट होगा? फिर से टू अलॉटमेंट। यहां तक कहीं पे डाउट किसी को? नो मैम, नो नहीं मैम, मैम, किसी को भी डाउट है? तो देखो, तो शेयर नो मैम, एप्लीकेशन अकाउंट में कितना जाएगा? ये 60,000, 90,000 और 1,50,000। चलो जल्दी से टोटल बताओ मेरे को, टोटल तो कर ही सकते हो तुम लोग। थ्री 3 लाख लाख तो ये 3 लाख कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन में, ठीक। और ये जो 30 और 30 कितना हुआ? ये 60,000। 60,000 ये कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में। कहीं पे डाउट किसी को? नो मैम, अब देखो थोड़ा सा भी डाउट है ना, तुरंत पूछो जल्दी से। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ फोर फीचर अमाउंट, ठीक है, या इसमें सब कुछ आ जाएगा ना। उस कितने शेयर्स थे उसके पास? देखो 4,000 शेयर्स थे। इसने क्या अमाउंट पे नहीं किया था? देखो, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसने तीनों पे नहीं किया था। अब देखो ये इसके पास कितने शेयर्स थे? 4,000। क्वेश्चन में बोला है कि ये कौन से समूह से था? ये 40,000 वाले समूह में से। अगर क्वेश्चन में बोलता ना कि ये 20,000 वाले में से था, तो ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, क्योंकि 20 वाले को हमने पूरे कितने शेयर्स दिए थे? 20,000। ये कौन से समूह से है? देखो 40,000 वाले में से। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? तो देखो कल मैंने करवाया था सेम वही। देखो 30,000 शेयर्स मिले थे कितने वालों को? जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था। इसको मिला कितना है? 4,000, ठीक है, रिसीव है ना, और यहाँ पे सॉरी रिसीव्ड नहीं लिखना, अलॉटेड, आबंटन लिखना। तो और अप्लाई कितने के लिए किया था इन लोगों ने? 40,000 वाले में से। तो 40,000 वालों को 30,000 अलॉट किया गया था, तो इसको कितना अलॉट किया गया है? 4,000। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? तो 40,000 को डिवाइड करोगे 30,000 से। देखो ये ऐसे जाता है, एरो बना रही हूँ देखो, और फिर ये जिसमें डाउन एरो बनाया वो मल्टीप्लाई × 4,000। चलो बताओ कितना आएगा आंसर? पांच हजार 333 5,333 33 आया सबका? यस मैम। एक सेकेंड,
एक मिनट क्वेश्चन में देखो आप लोग, क्वेश्चन है सबके पास? देखो उस क्वेश्चन में ना कुछ एक उल्टा कर दिया है, इसने क्या लिखा है, सिवाय सेकंड लाइन देखना ना, अंशों पर पूर्ण राशि मांगी गई थी, 60,000 के बाद वाली लाइन देखो, दिया है अंशों पर पूर्ण राशि मांगी गई थी, लाइन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सिवाय 4,000 अंशों के प्रार्थियों जो कि, तो ना इसने 4,000 के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, ये इसका अलॉटमेंट नहीं दिया है। इंग्लिश में भी देखो क्लियर कट दिया है कि हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स, ठीक है, तो ये उस ग्रुप से है। देखो इसको अलॉट कितना हुआ है ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये इसने क्या दिया है, ये अप्लाइड के लिए, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो ये चेंज हो जाएगा। मेरे को लगा कि उसको 4,000 पूरा का पूरा अलॉट किया गया है, क्वेश्चन में दिया है कि उसने 4,000 के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। तो देखो, तो जस्ट अपोजिट, तो देखो इसने 40,000 के लिए जो अप्लाई किया था उनको दे रहा था 30,000, तो इसने अप्लाई किया है 4,000 के लिए, तो इसको मिला भी कितना होगा 3,000। देखो 30,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू ये 4,000 हो जाएगा, ये तभी आएगा 3,000 शेयर्स। इसको ना सेकेंड वैरायटी में कर देना, ये वाले कैलकुलेशन में, कल जो हमने किया था वो फर्स्ट वैरायटी हो गई और आज ये सेकेंड। कल वाले में क्वेश्चन बता दिया था कि उसको इतने अलॉट किए गए हैं, और इसमें क्या बता रहा है कि इसने इतने के लिए अप्लाई किया था, प्रार्थी था वो इतने के लिए, इसको कितने अलॉट किए वो अभी निकाला आपने, हमने, आ रहा है समझ में? कहीं पे डाउट है किसी को तो पूछो। आदित्य, कृष्णा, साक्षी, रिया, प्रिया, बताओ। नो मैम, डाउट नहीं है। ये 3,000 वाला समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो चलो अब देखो इसका अलॉटमेंट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, अलॉटमेंट मनी। देखो इसने एप्लीकेशन दी थी 4,000 शेयर के लिए, इसका मतलब इसने 3 रुपए के हिसाब से कितना दिया, 12,000, लेकिन इसको शेयर्स कंपनी ने दिए कितने, 3,000, 3 रुपए के हिसाब से कितने का, 9,000 का, यानी इसका जो 3,000 एक्स्ट्रा आया था वो कहाँ एडजस्ट किया था कंपनी ने, अलॉटमेंट में। नोट करो फिर मैं रफ करूंगी इसको। नोट किया सबने? यस मैम। सबने पूरा रफ करूं? यस मैम। अब देखो इधर साइड में ही बना रही हूं मैं, ये यहां तक हो गया। अब देखो इसने अलॉटमेंट में यानी कितना पे किया है अभी तक, 3,000, फिर इसने फर्स्ट कॉल का भी पे नहीं किया था, कितना, 3,000 शेयर्स दिए थे कंपनी ने इसको, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है देखो, 3,000 इंटू 2, सॉरी अलॉटमेंट का करना है अभी और, तो 3,000 शेयर्स के हिसाब से अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है देखो, 4 रुपए, 4 रुपए, 12,000, तो इसका जो एडजस्ट वाला अमाउंट था एप्लीकेशन वाला वो कितना निकला था, 3,000, ये जो निकाला, ये सर्कल कर रही हूँ ना मैं, पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ देखो, सॉरी ब्लू से, तो ये वो है ब्लू वाला अमाउंट देखो, तो इसका नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो ये कितना नहीं दे पाया था अलॉटमेंट में, 9,000, फर्स्ट कॉल देखो कितने का था आपका, 3,000 शेयर्स के लिए 2 रुपए से, 6,000 रुपए,
और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए 3,000 शेयर्स का 1 रुपए, ये हो गया 3,000। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। तो देखो ये देखो, फोर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा, ये वाला 12,000, क्योंकि इसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने 3 रुपए पे किए थे, ये पूरा का पूरा इसका 12,000 कहाँ जाएगा, फोर फीचर। किसी को डाउट है तो पूछो आराम से, कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आराम से नोट करो उसको समझो। देखो क्योंकि जो पर्सन एप्लीकेशन के टाइम पे इसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसने 3 रुपए के हिसाब से दिया था, कितना 12, तो ये पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा, 4 फीट। ये 3,000 × 3 मैंने इसका एप्लीकेशन मनी निकाला, जो इसका एक्स्ट्रा था ये कहाँ गया, अलॉटमेंट में। कहीं पर डाउट है तो पूछो पहले, तभी आगे बढ़ूंगी मैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में देखो कितना आएगा, कितना रिसीव्ड हुआ है, देखो टोटल 3,00,000। क्योंकि एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई थी अपने पास, 1,50,000 के लिए, सॉरी कितने के लिए आई थी आप लोगों को, 1,20,000 शेयर्स के लिए आई थी आपको एप्लीकेशन, इंटू 3, तो आपका इसमें जाएगा 3,60,000। सेकेंड एंट्री जाएगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन में दे रहे हैं अपन, ये एप्लीकेशन में दे रहे हैं 3,00,000 और अलॉटमेंट में दे रहे हैं अपन 60,000। तो यहाँ पे लिया मैंने अलॉटमेंट में 60 और एप्लीकेशन पे लिया 3, और ये पूरा का पूरा हो गया 3,60,000। थर्ड एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की, एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कितने हैं अपने पास, 1,00,000। अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना था, 4 रुपए, तो ये हो जाएगा 4,00,000 से। फोर्थ एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 4,00,000 मिलने वाला था, देखो जिसमें से एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मिल चुका है 60,000, तो 4,00,000 में से ये 60,000 माइनस करोगे, माइनस जो 4,000 शेयर्स वाला है उसका कितना आया था, ये देखो 3,000। तो ये 3,000 समझ में आ रहा है, ये अलॉटमेंट पे लिखा है मैंने, तो ये भी इसका yes, था, तो 4,00,000 में से 60,000 और फिर 3,000 माइनस करो,
3,37,000 3,37,000 आ रहा है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वो बुक में देखो आंसर गलत दिया है, अगर आप लोग देखोगे तो. देखो आंसर दिया है ना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. देखो दिख रहा है आप लोगों को, 3,31,000 कर दिया है. बुक में देखो, देखा आप लोगों ने? यस मैम. यस मैम. देखो और नीचे क्या कर रहा है, फोर फीचर के टाइम पे वो देखो 12,000 ले रहा है. देखा, अगर उसको 9,000 मिले थे अलॉटमेंट के टाइम पे सपोज, तो नीचे कितना हो जाएगा, 9 और 9, 18 हो जाएगा ना उसका अमाउंट, तो वो मिस्टेक है उसमें. नेक्स्ट देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर. अब फिर किसकी एंट्री बनाओगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बताओ कितने का शेयर है उसका, चार लाख शेयर्स. कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, 1,00,000. फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है कंपनी का, देखो 2 रुपए, तो ये हो गया आपका 2,00,000. ठीक, ये फर्स्ट एंट्री में रफ कर रही हूं, सेकंड भी रफ कर रही हूं मैं. सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. तो 2,00,000 में से फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना नहीं मिला था, मैंने कैलकुलेट करवाया था आप लोगों को फर्स्ट कॉल का, 3,000 शेयर्स पे करवाया था कि नहीं, 2 रुपए के हिसाब से कितना था, 6,000 रुपए. देखो करवाया था कि नहीं, 3,000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से, तो 2,00,000. ये मैम, तो 2,00,000 में से 6,000 गया, कितना बचा, 1,94,000. 3,94,000 कैसे आएगा बेटा, 2,00,000 में से 3,00,000 कैसे बचेगा मैम, 1,00,000. सेम वही, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करो, 1 रुपए का था, 1,00,000 आएगा, तो करोगे 8 पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, 1,00,000 में से कितना नहीं मिल रहा है, 3,000, क्योंकि 1 रुपए का था, तो कितना मिलेगा, 97,000. जल्दी करो, फिर उसके बाद अपन एक फोर फीचर की एंट्री करेंगे. नाइन्थ एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. चलो मेरे को कोई अमाउंट बताएगा, कितना आएगा इसमें अमाउंट,
कोई बता सकता है? देखो मैंने कब क्या बताया, कैपिटल में उतना अमाउंट आएगा जब अंशों का हरण कर लिया, और अंशों का हरण कब किया था? पूरी मांग होने हो जाने के बाद। तो एक शेयर कितने का था? 10। इसके कितने शेयर्स वो कर रही है कंपनी? 3000 शेयर्स। तो 3000 इंटू 10, एक शेयर था 10 रुपए वाला, तो यहाँ पे आएगा मतलब 30,000। अब इधर देखो इनकी अमाउंट, इसने इसका जो फोर फीचर में देखो कितना आएगा, ये पूरा का पूरा 12,000, क्योंकि 3,000 शेयर्स इसको दिए गए थे, तो इसने एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से 9,000, और प्लस जो इसका ये एक्स्ट्रा निकाली थी मैं देखो 3,000, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इसने अप्लाई किया था 4,000 शेयर्स के लिए, तो आवेदन के साथ 3 रुपए के हिसाब से पूरा का पूरा 12। इसने अलॉटमेंट में कितना पे नहीं किया ये भी मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करके, बताओ कितना पे नहीं किया था इसने अलॉटमेंट में? नौ हजार फर्स्ट कॉल पे, 6,000, और इस पे 3,000। अच्छा सुनो, एक एंट्री मेरे को करेक्ट करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है?